अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि सब लोग खैरियत होंगे। अभी मैं अजीम भाई के शॉप पे हूँ और अजीम भाई से आपको मिलाता हूँ। क्या सीन हो रहा है, एक गाड़ी लिए रिबर्थ दिल के करीब है हमारे तीसरे नंबर पे, दूसरे और पहले नंबर पे दूसरी गाड़ियाँ जब लेंगे तब मैं आपको बताऊँगा कौन सी गाड़ियाँ सही है और उसका काम होगा आज का, क्या काम होगा वो मैं आज अजीम भाई बताएंगे। पेट्रोल वाला जो ढकना है फ्यूल कैप है वो इसलिए खोला है, कलर लेने गया है इसका ना, बम्पर दोनों कलर होंगे ख़राब है, आपको दिखाता हूँ जब आएंगी ना गाड़ी तो आपको दिखाता हूँ कि कितने ख़राब है। वाइट की तरह ही है बिल्कुल, मतलब हल्की फुल्की स्क्रैच है, लकीर है, अपन को तो पसंद ही नहीं है लकीर और स्क्रैच, इसलिए वो सारे ख़त्म करा रहा हूँ। ओरिजिनल पेंट में बम्पर तो अभी जो है उधर क्यों खड़ी है क्योंकि वो सेट हो रही है, बम्पर जो है ना साइडों से थोड़ा उठे हुए हैं, एक यहाँ से उठा हुआ है एक इस साइड से उठा हुआ है, ये उस साइड से भी बना रहेगा जी, उस साइड का भी है वो थोड़ा सा आउट है तो वो सेट कर रहा है, बाकी गाड़ी में कोई भी माशाल्लाह से काम नहीं है, जीरो मीटर कंडीशन में है बिल्कुल। और अजीम भाई हमारे साथ हैं। हाँ अजीम भाई क्या हाल है, अमन मारे फिर बात, क्या हुआ गाड़ी का आज? गाड़ी में यार ये बस हल्की फुल्की सेटिंग की, बम्परों की हाँ तो सही है, बम्पर सही है लेकिन ये थोड़े किनारे हैं इसके कोने आउट हैं हाँ, वो थोड़े सेट करवा रहा हूँ, फिर बम्पर को ज़रूरत नहीं है कलर की, बस लेकिन कर रहा हूँ मैं इसको कलर, अगला थोड़ा ज़्यादा खराब है पिछले पे इतनी नहीं है, पर अपन को चाहिए सफा तो क्लियर हो जाएंगे, बाकी गाड़ी तो ओके टेक लगी है हाँ माशाल्लाह से, तो मिल जाती है ना, कलर करूँगा फिर मैं आपको दिखाऊंगा हाँ क्या था इसमें सही है। हकीम भाई भी थे पर वो भी गए हुए काम से, कलर लेने गए हैं। अब ये नहीं पूछना कि ग्रैंडी कहाँ है यासर कहाँ है, यासर खड़ी है, ग्रैंडी तो हमने बेचने के लिए दी थी, वो बिक गई, मैंने आखिर लास्ट वाले ब्लॉग में बताया था आपको, अगर आपने पूरा देखा हो, ज़्यादातर लोग पूरा ब्लॉग देखते नहीं फिर बोलते हैं कि क्या हुआ क्या हुआ, तो उसमें आपने अगर आखिर में देखा हो मैंने इंजन पे पूरा साफ किया था, उसके बाद में रात को 8 बजे में उठा था, वजात की कॉल आई थी गाड़ी लिया ज़बरदस्ती एक दोस्त को देनी, वो गई उस टाइम पे ईद रात को और ये लिए कल, आज क्या है आज क्या तारीख है, 9 मई, तो मेरे ख्याल ईद का 6वां 7वां दिन है, ईद के तो 3 दिन होते पर फिर भी तो ये सीन है और ये बेचने के लिए लिए, कोई आएगा तो बिस्मिल्लाह दे देंगे लेकिन हम तैयार करके देंगे, ऐसे नहीं देंगे तैयार, क्योंकि हमें मज़ा आता है तैयार करने में, ऐसे ना जी गाड़ी तो है ही तैयार है पर फिर भी थोड़ा थोड़ा उसकी एक थोड़ी बहुत सेटिंग है वो सेटिंग हाँ तैयार है हाँ सही सही, जैसी वाइट वाली थी ये भी सही है बिल्कुल, अजीम भाई के पास आओ, पहले भी वीडियो बनाई थी सब बताया था, इन्होंने दुकान चेंज किए, वो पहले अल्टो जहाँ खड़ी है ना सामने आपको अल्टो ये नज़र आ रही है, खंभे लगे हुए ट्रांसफार्मर, तो उसके बराबर में पहले दुकान होती थी, अब इन्होंने थोड़ा सा यहाँ मूव किया है, थोड़ा नहीं ज़्यादा मूव किया है, ये दुकान है इनकी इंडस मोटर वर्कशॉप, ये नंबर लिखे हुए इनके वही नंबर है ना सारे, मुकीम इनका भाई है और ये खुद करीम, सॉरी करीम नहीं अजीम। इस व्लॉग में मैं बिल्कुल आपको क्लियर बताऊं, हम पिछले व्लॉग की तरह नहीं खींचेंगे इसको, लंबी नहीं करेंगे कि बम्पर कलर ऐसे होते हैं इसमें ये होता है इसमें वो होता है, अगर वो आपको पूरा सीन देखना है तो आप इस साइड, अगर वो आपको सीन देखना है तो आप ये वाला व्लॉग देख सकते हैं, इसमें हमने पूरी ए टू जी चैप्टर पूरा मैंने बनाया था उसका, रिबर्थ का वाइट वाली का, वो भी रिबर्थ थी ये भी रिबर्थ है, तो उसमें पूरा हमने डिटेल से बताया था कि कलर कैसे हुआ है और कितने का हुआ है खर्चा वर्चा सब मैंने बताया था, उसमें हम ऐसे नहीं करेंगे सही है, हम बड़ी बड़ी छलांगें लगाएंगे। ये गाड़ी है ऊपर, ये ख़राब देख रहे हो, ये ख़राब है, ये ख़राब है, लाइने हैं और इतना कोई ज़्यादा नहीं है, पर ये है दो हज़ार 15 मॉडल नॉन यूजी और ऑटो सनरूफ, ए वन गाड़ी, ए वन जिसको बोलते हैं ना, निशान लगे कुछ भी नहीं है, बम्पर ये थोड़े थोड़े आउट हो रहे थे सेट कराए, भी डनलप के टायर लगे हुए हैं,
नए टायर लगे हुए 2000 ये लिखा हुआ ना 2021 के नए टायर लगे हुए और 205 मेरे साथ सात भाई हैं। साथ भाई इसलिए भाई क्या हाल है अलहमदुल्ला। ये पहला स्टेप है ना, क्या कर रहे हो? ये कलर कर रहे हो ऊपर। नहीं नहीं कलर तो हुआ, ये अभी क्या हो रहा है सेंडिंग शेकिंग वगैरह कर रहे हैं इसके भी। सही सही सही, उसके बाद से कलर की तैयारी कर रहे हैं। सही सही सही, और सब खैरियत है ना? सेकंड स्टेप लापी हो रही है होली गेट, उसके बाद वो तीसरी लापी लगेगी फिर कलर होगा। गर्मी बहुत है यार, फुल पसीना। भाई पूरी तैयार हो गई माशाल्लाह से, अब फिर अंदर करके इसको पेंट करेंगे बम्पर को। नीचे से भी चमक रही है गाड़ी माशाल्लाह। उसके ऊपर है थोड़ा ऑफसाइड करें। नहीं नहीं अजीम भाई टैपिंग कर रहे हैं, टेप करके इसको फिर कवरिंग लगाऊंगा। कवरिंग के बाद फिर इसको रंग लगाते हैं, फिर आपको दिखाऊंगा। अभी देख लो पोजीशन क्या है, टेपिंग करके मुकम्मल ये देखना उसके बाद। सही है बेहतरीन, वाइट वाला ही सीन है बिल्कुल। वाइट में किया था वही काम किया। इसके भी साइड ग्लास हैं वो, अच्छा इसमें स्पीकर और सुनने लगे हुए, स्पीकर क्या बोल रहा हूँ, हाँ ये साइड ग्लास भी खोले निशान था उस पर ना, उसको भी कलर करेंगे। बट फ्लेवर सही है इसके, थोड़ा आउट सही हो रहेगा, पिछले भी सही हो जाएंगे। अंधा कर दिया हमने इसको गाड़ी को फिलहाल, आप देख सकते हैं। टैपिंग हो गई है मुकम्मल, अब इसको स्प्रे लगेगा कलर। ज़्यादा डिटेल में देखना है तो वो पिछली वीडियो देख लो, या लिंक आ रहा होगा वहाँ उसमें देख लो। वाइट वाली सेम टू सेम गाड़ी थी, बगैर सनरूफ वाली, उसका हमने किया था। साइड ग्लास आप देख लो इतना ख़राब था। एक तो आपको गाड़ी का 360 देता हूँ ताकि आपको किसी अजीम क्या छिछोरे को ये ना लगे कि हम बॉडी पे पेंट कर रहे हैं। भाई बॉडी पे हम हाथ नहीं लगाते, देख लो कुछ भी नहीं है, देख लो। सही गाड़ी तो देखो माशाल्लाह लगी पड़ी है, हाँ जीरो माशाल्लाह। और 60,000 कुछ चली हुई है। मीटर भी अभी सही आपको बता दूँ ताकि बाद में फिर हम भेज दें, हमारे बाद कोई अगर पीछे करा रहा है तो आप हमें नहीं कहो, क्योंकि पहले भी ऐसा हो चुका है 2-3 दफ़ा। ये हम लगाएंगे इसमें चाबी, 64112 चली हुई है गाड़ी। सही है हाँ। ये इससे मैं लगाऊंगा, ये अस्तर है, अस्तर हाँ ये अस्तर, ये होता है ऐसा इसमें आता है, बहुत सारी किस्म का आता है, लेकिन मैं थोड़ा सा इसको ऐसा लगा रहा हूँ, कलर ये ऐसा हाँ ये इस तरह का है। सही सही सही, ये मजबूती के लिए ना, ये मजबूती के लिए कलर मतलब अच्छी तरह चिपक जाए। हाँ चिपक जाए लापी बोली के अस्तर सही है। अबे नट लगे हुए इसको खोलना पड़ेगा, पाना दे 10 का है ना, बस खोल रहा हूँ मैं, नट तो खोल लें, ढीला हो गया ना, इसको भी कलर लग जाएगा। नट के वो अंदर डेवरियाँ होती हैं ये वाली, ये भी निकाल लें ताकि सफाई से काम हो ना। हाँ ओके हो गया भाई, अभी 7:15 हो रहे हैं, 7:15 हो रहे हैं ना, लगा दो जो भी हो रहा है। अब कलर हो रहा है क्योंकि फोन है 6 बजे लाइट गई थी, मैं भी ऊपर चला गया था तैयार यार होके आया, कलर लग गया, कलर है ना। अंधी रिवर थोड़ा सा लगा के दिखा रहा हूँ, ये कलर है, ये अपनी जगह पे आ जाएगा, ये आ जाएगा अपनी जगह पे, ये जो कलर है।
अब इसकी बदबू बहुत बुरी है यार। हाँ ना, जमीन में थोड़ा लगा दिया, मेरे को पता है तुम भागोगे भाई। कलर हो गया अभी हार्डनर क्लियर बाकी है। अभी चमक इसकी बाकी है, चमक लगाऊंगा तो देखना कैसा हो जाएगा बॉडी की तरह। हाँ बॉडी की तरह। अबे शाइन ही लगा लो बाहर यार। आ रही चमक आ रही है। कितने हाथ लगेंगे? दो। कलर के हमने 3 हाथ लगाए और इसके 2 हाथ लगाए। सही है सही है। ओके हो गई। मैचिंग अभी लग रही है पर मैच हो जाएगा, कोई इशू नहीं है। पॉलिश होगी ना पर दाना दाना द्वारा ये भी पॉलिश में ही जाएगा। रेक माल सेंडिंग होगी इसको, पॉलिश लगेगी इस पर, रेक माल लग के पॉलिश होगी। इंशाल्लाह कल आपको दिखाऊंगा। साइड ग्लास भी करा दो खराब है। ओके अजीम, ओके अभी इसको रेक माल लगा के पॉलिश करूंगा कल। हाँ उन्हें 2 हो रहे हैं अभी। आया हूँ नीचे और गाड़ी गर्मी में खड़ी हुई थी सामने, वहाँ फुल धूप में विटस के बराबर में, इसलिए अंदर की बहुत गर्म हो रही है अंदर से। मैंने कहा बैठने जैसे तो बने, कलर मैचिंग देखे किसी VIP की माशाल्लाह। और अब लग कैसी रही है, उसको पॉलिश नहीं कराऊंगा बस। ये जो हम कल कह रहे थे ना रेगमाल लगेगा, वो रेगमाल इसको लगेगा क्योंकि इसका जो दाना है वो खत्म होगा, पॉलिश होगी। या से पीछे खड़ी है ये लगेंगे, अजीम के पास जाऊंगा तब लगेंगे। अजीम भाई थोड़ा जल्दी आ गए आप, क्या हाल है? मुकीम भाई खुश हो? बहुत जल्दी आ गए हो। सूरज जल्दी आ गया ना घर पे। यार जल्दी जल्दी जाओ। सही है सही है। और सब खैरियत है? भाई ये जो बम्पर कलर है और साइड मिरर दोनों और अगले मटफ्ले पर जो है वो भी 2 कलर होंगे, वो बाद में कर देगा, मैं बाद में लगवा लूँगा, वो दिखाने की ज़रूरत नहीं है। तो 7,000 पे कलर हैं टोटल, आगे पीछे बम्पर और साइड मिरर और ये हुए। और 4,000 पे बॉडी पॉलिश है अगर आपको वो करानी हो, मैं आपको उसे बता रहा हूँ। और तीसरा क्या था फिर, जो बम्पर सेट कराए थे 2,000 पे, जो साइडों से जो सेट कराए थे आगे पीछे, 7, 8, 9, 9,000 पे खर्चा हुआ टोटल। काम नहीं था इतना, पहले थोड़ा आउट था, खर्चा इतना हुआ है। आपको सस्ते में कहीं हो रहा है तो भले आप वहाँ से कराना, हमें मैं कोई फोर्स नहीं करा आपको कि यहाँ से करो। मैं मुतमिन यहाँ से होता हूँ, मेहनत फुल चल रही है। यहाँ से ही हुआ ना, लाइट तो है नहीं, ग्रेंडर से करेंगे। मतलब किनारी वन आरियाँ बचाई हूँ जिन्हें ग्रेंडर से, ये गंद होता है। अच्छा ये आप भी सोच रहे हो, अच्छा एक बात क्लियर आपको कर दूँ कि ये वीडियोस बनाने का मकसद क्या है। मकसद कुछ भी नहीं है, ऐसे ही बस मैं बना रहा हूँ, मेरी मर्जी है। और बंदा मतलब ब्लॉग के लिए कंटेंट बंदा ढूंढता है, तो इतना बड़ा हमें कंटेंट मिल गया तो सही है। अजीम भाई ने लाइटों पर भी रेगमाल सेंडिंग कर दी है, सही है। और क्यों नहीं रहा, हाँ लाइटों पे भी कर दिया, आप देख सकते हैं लाइट इसलिए थोड़ी सी जो अजीब लग रही है। और बम्पर पे भी हो गया है, बस अब इसको ग्रेंडर लग गया, लाइट आ गई है, ग्रेंडर इसको लगेगा फिर पीछे लगेगा। ओके हो जाएगी।
बेहतरीन होगी। हो गया फाइनल। इसको अभी पॉलिश नहीं लगी। रुक जा भाई, फाइनल रिजल्ट है देख लो। बॉडी की तरह हो गया बिल्कुल। असली पेंटर का पता ही तब चलता है जब मटेरियल कलर में मैचिंग का टाइम आएगा। देखो मैचिंग कैसी की है, बॉडी पॉलिश होगी और भी मैच हो जाएगा। देखो अभी गर्मी ऐसी हो रही है इसमें, कहाँ 35-35 डिग्री है फिर भी इतनी मसला है। इसमें लेदर सीट कवर लगे हुए, सीट कवर अच्छे लगे हुए और शायद मैं नहीं निकालूँ। अच्छा अभी मैं जो है अजीम ने मुझे कहा कि तुम जाओ पॉलिश करा उसको गाड़ी को ना, बॉडी को, क्योंकि पॉलिश से जो है ना इसमें जो गंद कचरा है पूरा कलर में पूरा हट जाएगा। तो पॉलिश के लिए मैं जा रहा हूँ। अली भाई हैं उनके साथ, उनका उन्होंने वो खोला नया स्टूडियो, नया मतलब 4-5 महीने हो गए, तो या अच्छा 3-4 महीने हुए, वहाँ जा रहा हूँ। अजीम से पूरा काम करा लिया, ओके बिल्कुल टाटा बाय बाय वाला सीन हुआ है। और बस वो क्या कहते हैं अब आ गया उनके शोरूम पे, अली भाई आए फिर वो उनके स्टूडियो जाऊंगा, वहाँ आपको सीन चेक करा। तो अभी अली भाई के स्टूडियो आया हूँ, MG तैयार हो रही है। बिफोर देख लो, ये जो नीचे ग्रिल पूरी वाइट हो रही है ना, वो क्योंकि बम्पर वो रेगमाल लगाया था, सेंडिंग की थी, तो इसलिए गंदा हो रहा है भाई। लुक तो देखें गाड़ी का कैसा हो रहा है। बिफोर है, दिखा दूँ आपको, सिर्फ बॉडी पॉलिश कराऊंगा आगे कुछ भी नहीं। बम्पर मैचिंग कैसी VIP हुई है, छाव में से ही पता चल रहा है। भाई ये सुमित बैंक मेन रोड पे वादुआ पे अलफजर रेस्टोरेंट, इसके बैक साइड पे ये सर्विस स्टेशन है और ये स्टूडियो। भाई माशाल्लाह फाइनल रिजल्ट है। वही भी जा रहा हूँ घर पे, 10 बज रहे हैं, कितने बजे 5 बजे आया था या 4 बजे, जा रहा हूँ अभी घर पे। माशाल्लाह गाड़ी ओके हो गई, चमक रही है माशाल्लाह से हर जगह से, और क्या कहते हैं
कितना खर्चा कितना आया अभी वो हिसाब किया नहीं अली भाई से। अली भाई ने हमें फ्री कर दिया थोड़ा सा जैसे मैं बोलता हूँ कंपनी ने फ्री नहीं किया था, जैसे अली भाई ने फ्री कर दिया हमें। अब आप ऐसे नहीं समझना फ्री कर दिया तो मतलब उसने हमें स्पॉन्सर किया है मेरी तो फिलहाल अभी नाजुक सूरत हाल चल रही है बहुत ज़्यादा, क्योंकि अभी सारा दिन का निकला हूँ, मेरे ख्याल 10 बजे उठा था और सभी जा रहा हूँ घर पे। वही वैसे तो मैं थक गया था पर अभी तैयार होके जो बकाया काम है वो कराने जा रहा हूँ। गाड़ी में बताता हूँ क्या बकाया काम। मैं थक के फुल थका हुआ था घर आ गया, लेकिन मैंने कहा नहीं, इसका जो एक काम है, एक लाइट इसकी है और दूसरा क्या था स्टेयरिंग जो है वो स्टिच कराना है, जो दिन को भी मैंने आपको बताया था। मैं कल पे लेके जा रहा था इस बात को, मैंने कहा दिन के टाइम जाऊँगा करा लूँगा, लेकिन मैंने कहा नहीं लाइट है। अबे यार सीट बेल्ट लगाऊँगा सीट बेल्ट भाई सही, ये यहाँ से निकाला सीट बेल्ट, अबे दोनों साइडों में नहीं है। खैर तो मैंने कहा दिन को दिखाऊँ जाऊँगा, कल ब्लॉग भी कल पे रखेंगे, लेकिन अक्लमंदी ये हुई कि रात को अक्ल ये आई कि अगर रात को जाएंगे लाइट चेंज कराने लगवाने LEDs में, देखूं कोई सही मिल जाती है तो लगवाऊंगा, तो वो रात को सही उसका रिजल्ट सही पता चलेगा ना। दिन को लगाएंगे फिर रात तक वेट करें, फिर अभी जो भी है पता चल जाएगा जो भी है। लो बीम तो ठीक है, ये देख सकते हैं आप अभी, क्योंकि प्रोजेक्शन लैंप पे। हाई बीम बिल्कुल बेकार है, इसका बल्ब जो है ना एक काला हो गया खुद ही। यार ये अच्छा किया वादू आप, ये जो केटा लगा है ना टायरों के लिए तो नुकसान दे है अगर आप स्पीड में जाएंगे तो, बाकी स्लो जाएंगे तो मजा है। अच्छा लो बीम में या हाई बीम में देखता हूँ, जो भी अकील भाई के पास जाता हूँ फिर देखता हूँ। 11 बज रहे हैं अभी, लचपाल ऑटो से आए ये बल्ब लगा रहे हैं। अस्से अच्छा थे मेरे, क्या हाल है सर? वाले सलाम, खुश खैर मजे में लगा रहे हैं। रोशनी अच्छी है इसके ना, हाई बीम में और फोक लाइट में लगा रहे हैं C6। एक तो लगा लिया, दूसरा लगा रहा है। स्टेयरिंग भी स्टिच हो रहा है, ऐसे होगा ये जैसे भी होगा ये खुद ही करते हैं भाई हैं। और ये गेयर का नॉब भी होगा ना, हो जाएगा ना, बटन है ऊपर से कर लियो ना, नहीं होगा बस सही है, पर यही करते हैं जैसा होगा वैसा आएगा नेचुरल लुक है। मेरे साथ जुबैर भाई हैं, ये काउंटर पे होते हैं। क्या हाल है जुबैर भाई? खुश हो तबे सही अलहमदुल्ला ठीक ठाक। ये मुजम्मिल कब सुधरेगा? ये आहिस्ता आहिस्ता सुधरेगा, पहला बंदा है तो बोला तो पहले आहिस्ता आहिस्ता सुधरेगा, वरना बोलते हैं ये तो बहुत अच्छा काम का लड़का ही है। हाँ उल्टे ही काम करता है, गारंटी में हॉर्न लगाए थे, एक जल रहा था एक नहीं जल ऑन हो रहा था। नया स्टाइल है फोक लाइट लगाने का, आप देख रहे हैं भाई, कलर करा है बम्पर, ख्याल करियो। ये अल्हम्दुलिल्लाह स्टीयरिंग स्टिच हो गया, गियर नॉब नहीं होगा, बाकी ये भी इसने फुल काबू कर दिया, पहले बहुत खराब हो रहा था, ओके हो गया भाई। रिवर्स का थोड़ा सा आपको पिकअप चेक करा था, ओके स्टीयरिंग आप देख लो कवर बेहतरीन, और ये तो मैंने दिखाया था। अच्छा लो बीम में कुछ नहीं करा है, फोक लाइट में C6 बल्ब लगे थे, ब्लैट वो बीम हाई बीम ठीक है, इतनी कोई खास नहीं है जाहिर है, इतनी मतलब लो वाली मैंने हल्की मैंने ली है, ज़्यादा तेज़ वाली मैंने ली नहीं। तो भाई ये था मेरा व्लॉग, मुझे उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करें।